नोएडा में पुलिस को बड़ी सफलता हाथ लगी है, जहां पुलिस ने गाड़ियों में लिफ्ट देकर मारपीट और लूटपाट करने वाले 3 गैंग का खुलासा किया। पुलिस ने गिरोह के 10 सदस्यों को गिरफ्तार किया है। ये तीनों गैंग अब तक 100 से ज्यादा वारदातों को अंजाम दे चुके हैं। पकड़े गए बदमाशों में गिरोह का सरगना एम्स में टेक्नीशियन के पद पर तैनात है। पुलिस ने इनके पास से 22 मोबाइल फोन, 5,000 रुपयों की नगदी, 1 लैपटॉप, 1 घड़ी, 2 कार, 3 जोड़ी नंबर प्लेट, 1 एम्पलीफायर, 2 तमंचा, 315, 4 जिंदा कारतूस, 6 चाकू छुरे, IED, 2 बैग और अन्य सामान बरामद किया। बताया जा रहा है कि पुलिस ने मुखबिर की सूचना पर साइट 5 कोतवाली की पुलिस ने सिरसा, P3 गोल चक्कर और सेक्टर 93 से बदमाशों को गिरफ्तार किया। एक गिरोह का सरगना भागीरथ यादव उर्फ साधु पहले उबर कैब चलाता था। इस गिरोह का सदस्य सुरेश यादव प्राइवेट गाड़ी चलाता है। चंद्रकेश यादव भी उबर कैब का चालक है और जनार्दन इलेक्ट्रीशियन का काम करता है। ये लोग अपना गैंग सेक्टर 93 के गेझा गांव में अस्थायी रूप से किराए के मकानों में रहकर संचालित कर रहे थे। गाड़ियों के शीशे तोड़ के, बुलेट से शीशे तोड़ के लैपटॉप और अन्य वैल्यूएबल्स जो है वो चोरी कर लेता था। 4 इसके सदस्य हैं जो कि गिरफ्तार हुए हैं। इसमें से एक जो अभियुक्त है वो संजय प्लेस दिल्ली में, नेहरू प्लेस दिल्ली में उसकी शॉप है, इलेक्ट्रॉनिक आइटम्स की उसकी शॉप है, वहाँ पे ये सभी लैपटॉप बेचे जाते थे। 27 लैपटॉप रिकवर हुए हैं, 31 स्क्रीन है जो कंप्यूटर्स की स्क्रीन है, बेचे गए कंप्यूटर्स की, और 4 टैबलेट रिकवर हुई हैं और भी चीज़ें। वहीं ग्रेटर नोएडा पुलिस ने वाहनों के शीशे तोड़कर सामान चुराने वाले गिरोह का भी पर्दाफाश किया। पुलिस ने गिरोह के 3 बदमाशों को और उनसे चोरी का सामान खरीदने वाले एक दुकानदार को गिरफ्तार किया है। गिरफ्तार बदमाशों की निशानदेही पर पुलिस ने नोएडा और ग्रेटर नोएडा में विभिन्न जगहों से कारों का शीशा तोड़कर चुराए गए 31 लैपटॉप, 28 लैपटॉप की स्क्रीन, लैपटॉप को खोलकर बेचने के लिए इकट्ठा किए गए उसके कल पुर्जे बरामद किए हैं। और इन लोगों का मोटस ऑपरेंडी यही था कि जो मार्केट्स रहते थे या घनी आबादी वाले क्षेत्र रहते थे जिसमें गाड़ियां खड़ी रहती थी 4 पहिया, वहां पे शीशे पे गुलेल से ये पंचे को मार के और उसे तोड़ देते थे शीशे को, और अंदर से जो वैल्यूएबल्स होते थे वो चुरा लेते थे। लैपटॉप्स को ही मेनली टारगेट करते थे। 4 से 5 लैपटॉप कनेक्ट हो गए हैं और बाकी लैपटॉप्स कनेक्ट करने का अभी प्रोसेस जारी है, वो भी सभी कनेक्ट होकर। पकड़े गए तीनों बदमाश काफी शातिर किस्म के चोर बताए जा रहे हैं। पकड़े गए बदमाश बचपन में खेल में इस्तेमाल होने वाले गुलेल को चोरी के लिए इस्तेमाल कर पार्किंग में खड़ी गाड़ियों को अपना निशाना बनाते थे। बदमाश गुलेल साइकिल में इस्तेमाल होने वाले छर्रे की सहायता से गाड़ियों का शीशा तोड़ चोरी की घटना को अंजाम देते थे और फिर गाड़ियों में रखे सामान को लेकर उड़न छू हो जाते थे। इसने ज्यादातर गाड़ियों से शीशा तोड़कर लैपटॉप और गाड़ी में रखे कैश पर अपना हाथ साफ किया है। ये लोग लैपटॉप को चुरा कर नेहरू प्लेस में बेच दिया करते थे। इनसे चोरी का सामान खरीदने वाला दुकानदार लैपटॉप के 4 से 5 हजार रुपए देता था। पकड़े गए चोर पर एक दर्जन से ज्यादा मामले दर्ज हैं, जिनकी पुलिस काफी समय से तलाश कर रही है। पंजाब केसरी टीवी के लिए ग्रेटर नोएडा से आकाश गर्ग की रिपोर्ट।